हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, अपना चैप्टर चल रहा था कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर, उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 करेगी जो आपको पेज नंबर 342 पे दिया गया है। वेरी वेरी सिंपल, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर 4 की बात करें तो क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन वॉस कितना हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो कितना हो रहा है, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब अपने पास टोटल कितने शेयर है, 1 लाख शेयर हम दे रहे हैं। एप्लीकेशन मतलब हमें कंपनी को कितने शेयर बेचने, 1 लाख शेयर बेचने, कितने शेयर का, एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपीज़, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 10 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। बट यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, एप्लीकेशन वॉज रिसीव, मतलब रिसीव कितना हो रहा है, 1,20,000 का क्या हो रहा है, एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट हमें बेचने थे 1 लाख रुपये, पर पब्लिक ने रिसीव कितने कर लिए, 1,20,000 रुपये का एप्लीकेशन रिसीव हो गया। तो स्टार्टिंग एंट्री सेम ही रहेगा ना, बैंक अकाउंट क्या रहेगा अपना डेबिट। अभी तुम बोलोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट किस से करेंगे, ये 1 लाख से करेंगे या 1,20,000, 1,20,000 से करेंगे, कितने से होगा, 1,20,000, और एक शेयर का प्राइस कितना है, ₹10, तो कितना आ गया यहाँ पर अपने पास, 1,20,000, तो एक और जीरो डाल दो तो 1, 2, 3 कितने जीरो आ गए, 4, तो अपने पास टोटल कितने आ गए, 12 लाख रुपीज़ आ गए। 2, ये किस चीज़ का पैसा है, यहाँ पर मैं लिखूँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, डोंट वरी मैं बुक में जाके काफ़ी अच्छे से आपको कराऊंगा सारा। एप्लीकेशन कितना रहेगा, 12 लाख रहेगा, तो बचा हुआ जो ये 20,000 है उसको क्या करेंगे हम, पैसा रिफंड करेंगे। अगर बुक में दिया ही है, मतलब अपने को बेचना कितना था, 1 लाख, पैसा इतना आ गया, तो उसको पैसा क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। तो रिफंड की एंट्री क्या रहेगी, यहाँ पर जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है ना वो कहाँ जाएगा, डेबिट, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हो गया, डेबिट, कितने से डेबिट रहेगा, 2 लाख रुपीज़, 2 लाख कहाँ से आया, अरे अपने पास जो 20,000 जो ज़्यादा शेयर है, तुम बोलोगे 20,000, 1,20,000 एप्लीकेशन आया था, पर देना कितना है हमें, 1 लाख रुपीज़ ही देना है, तो जो बचा हुआ 20,000 को पैसा क्या कर रहे हैं, हम रिफंड कर रहे हैं। रिफंड मतलब पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। एक बात बताओ, मेरे पास किसी स्टूडेंट ने मुझे फीस दी, मैं उसको रिफंड कर रहा हूँ, तो मेरे पास से आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो इनटू रुपीज़ कितना दिया था, 10, तो 2 लाख, 2 मेरे पास से पैसा जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट कितने से रहेगा, 2 लाख रुपीज़ से रहेगा। डोंट वरी, वेरी वेरी सिंपल है, खाली बस इतना ही आपको रखना है, जितना एप्लीकेशन लिया उसका पैसा जो हम एक्सेस क्या करें, एक्सेस कितना आया था, ये 20,000 इक्विटी शेयर, उसका पैसा क्या करें, रिफंड करें, मतलब पैसा क्या हो रहा है, अपने पास से जा रहा है। डोंट वरी, वेरी वेरी सिंपल सर, मैं बुक में जाके आपको सम सॉल्व कराऊंगा, तो डेफिनेटली काफ़ी आपको ईजी लगेगा और आपको वीडियो अच्छा भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे, दीपक मैन्युफैक्चरिंग को लिमिटेड इशू प्रॉस्पेक्टर इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ कितने, 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच पेबल ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कितने इक्विटी शेयर ये इशू कर रहा है, 1 लाख इक्विटी शेयर क्या कर रहा है इशू, और एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2nd ऑन क्या बोल रहे हैं, फाइनल कॉल बोला गया है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन वॉज रिसीव, कितने का एप्लीकेशन हो गया, अभी हमने कितना शेयर बेचना था, 1 लाख, पर एप्लीकेशन कितने का हो गया, 1,20,000, मतलब 20,000 क्या हो गए हमें एक्स्ट्रा, मतलब ज़्यादा हो गए ना हमने, 20,000 शेयर क्या हो गए, ज़्यादा शेयर के पास से पैसा आ गया, तो ये 20,000 को क्या करना है, वो यहाँ पर बोला है, द डायरेक्टर डिसाइड टू रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब क्या करे, ये जो 20,000 है उसको क्या करे, रिजेक्ट, मतलब वापिस से क्या करे, इनको पैसा पे करे, मतलब जो 1,20,000 का पैसा अपने पास आया था, एप्लीकेशन मनी कितने का रिसीव होगा, ये जो एप्लीकेशन है ना मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 1,20,000 आएगा, और जो ये बचा 20,000 पहले इसका एप्लीकेशन आ जाएगा, बचा 20,000 को मनी क्या कर, रिजेक्ट, मतलब आप उसको क्या करेंगे, वापस से पे कर देंगे, रिफंड द एप्लीकेशन मनी दैट द कंपनी रिसीव ऑल द मनी। उसके बाद जो कंपनी को जैसा अलॉटमेंट बोल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख के हिसाब से आ जाएगा, ये भी कितने के हिसाब से आ जाएगा, 1 लाख के हिसाब से आ जाएगा, ये भी कितने के हिसाब से आ जाएगा, 1 लाख के हिसाब से हमें आ जाएगा। सेम टू सेम, मतलब ये जो ज़्यादा एप्लीकेशन हुआ है, अगर कम हुआ रहेगा तो सब में हम वही रिकॉर्ड करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर आप मैं बताया था 3 में देखा था, तो हमने देखो यहाँ पर एप्लीकेशन कम रिसीव, 25,000 इशू, पर 22, तो सब में कितना लिया था, 22, पर अगर ज़्यादा हो रहा है तो पहले इतना ज़्यादा आ जाएगा, उसके बाद जो हम जितना हमें इशू करने था वही हमें आएगा। तो डोंट वरी, मैं आपको करके बताऊँगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 343 इन द बुक्स ऑफ क्या है, दीपक मैन्युफैक्चरिंग को लिमिटेड जर्नल एंट्री डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लिखना होगा। वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, अगर एप्लीकेशन देखोगे तो कितने का रिसीव हुआ है, 1,20,000, मतलब अपने पास पैसा कितना आएगा, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, तो यहाँ पर एंट्री नंबर में 1 लिख दूँ, तो वेरी फर्स्ट क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट
टू किस चीज़ का पैसा, ये इक्विटी शेयर है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। कितना है 1,20,000, जैसा मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई बाय क्या है 2। यहाँ पर अगर देखोगे तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 12 2 कितना होता है 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,40,000 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2,40,000 आंसर आ जाएगा। अभी इसका क्या लिखना है, नरेशन, तो मैं यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन, आप एग्जाम में कोई भी एक ही पेन से लिखना है। नरेशन स्टार्ट क्या होगा, बींग से, बींग क्या रहेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी ऑन कितने है 1,20,000 क्या हो रहे अपने पास शेयर, एट द रेट कितना है रुपीस 2 पर शेयर क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है, 2 पर शेयर क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है मुझे, मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, तो यहाँ पर मनी कितने का रिसीव हो रहा है ऑन 1,20,000 इक्विटी शेयर 2 पर शेयर क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है। पर अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो हमें कितने शेयर देने थे, 1,00,000 ही क्या करने थे इक्विटी शेयर हमें देने हैं, तो हम कितने पैसे देंगे 1,20,000 और 20 को क्या करें पैसा रिटर्न देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, कितने से डेबिट रहेगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा 2,00,000, क्यों 2,00,000, क्योंकि मुझे तो कितने पैसे देने हैं 1,00,000 की इक्विटी शेयर देने और एक शेयर का प्राइस कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 2,00,000, और अपने पास से ये क्या आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा 2,00,000 रुपीज़ का। इसके दो लाइन दो छोड़ के बताता हूँ मैं आपको नरेशन क्या आएगा, ये देखो ये थर्ड वाला एंट्री क्या रहेगा, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी सेम रहेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या रहेगा डेबिट। अभी देखो कि आप समझोगे तो यहाँ पर कितना लिखा था मैंने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,40,000 और यहाँ पर कितना लिखा 2,00,000, तो और मुझे यहाँ पर कितना करना है 40 क्या करना है लिखना, और इसको पैसा क्या करो मैं रिफंड, मतलब पैसा डायरेक्ट कहाँ से जा रहा है, मैं इसको वापिस से पैसा क्या किया था रिफंड करें, मतलब पैसा क्या करें पे करें, किस चीज़ का एप्लीकेशन मनी हमने जो रिसीव किया था उसका पैसा क्या करें इसको हम रिटर्न दे रहे, तो यहाँ पर क्या आएगा बींग एप्लीकेशन, बींग क्या है ये एप्लीकेशन, बींग बींग एप्लीकेशन मनी ऑन 1,00,000 इक्विटी शेयर है ना, ये 1,00,000 शेयर, खाली शेयर लिखो तो भी चलेगा, 1,00,000 शेयर का हम ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हैं इसको, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफ़र टू शेयर हम कैपिटल में क्या कर रहे हैं उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये जो बचा अपने पास चाह बींग एप्लीकेशन मनी ऑन कितना रहेगा ये 20,000, उसको क्या कर रहे हैं हम रिफंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बींग एप्लीकेशन, बींग एप्लीकेशन मनी ऑन एक्सेस 20,000 शेयर एट द रेट रुपीज़ 2 और शेयर क्या कर रहे हैं रिफंड कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर आएगा रिफंडेड, मतलब हम पैसा क्या कर रहे हैं इसको रिफंड कर रहे हैं, मतलब जो अपना आप समझ के रहे कि 1,20,000 2,40,000 है क्रेडिट में, तो यहाँ पर कितना आएगा 2,00,000 आएगा और जो बचा ये 40,000 को पैसा क्या कर रहा हूँ मैं रिटर्न कर रहा हूँ, बाकी की सारी एंट्री क्या रहेगी जैसा हमने किया था, अभी सारी एंट्री जो सेम ही, अभी देखो यहाँ पर अलॉटमेंट का कितना पैसा मिल रहा है मुझे 4 रुपीज़ और 100, तो कितना आंसर आ जाएगा 4,00,000 रुपीज़ मुझे आंसर आ जाएगा, तो सेम टू सेम सिंपल ही यहाँ पर एंट्री नंबर, खाली एक एक्स्ट्रा एंट्री आ गई है बस, आपको इसके लिए थोड़ा पर आगा एक से दो बार करोगे तो डेफिनेटली आपको सिंपल लगेगा, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 2,40,000 था तो 2,00,000 हुआ प्लस यहाँ पर 40, क्योंकि दोनों क्या होना चाहिए सेम टू सेम होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर कितना आ गया, और इसको बोला ही क्या पैसा क्या कर रहे हैं हम रिटर्न रिफंड करें, मतलब देखो ना रिजेक्ट टू एक्सेस मनी, हम उसको क्या कर रहे हैं पैसा डायरेक्टली दे दे रहे, अभी देखो अलॉटमेंट का कितना पैसा आ रहा है 1,00,000 × 4 करना है तो कितना आ जाएगा 4,00,000 रुपीज़ आएगा, तो उसके पहले मनी ड्यू उसके बाद क्या रहेगा रिसीव, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट क्या रहेगा डेबिट कितना रहेगा 4,00,000 आपको पता चल गया रहेगा 1,00,000 × 4 और 2 अपने पास से, तो क्या आ जाएगा इक्विटी
शेयर कैपिटल जाएगा, अपने पास से क्या जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जाएगा, वो भी कितने का रहेगा, 4 लाख का रहेगा। ये मनी क्या रहेगा, ड्यू का। अभी मनी क्या होगा, रिसीव। तो इसके नीचे मैं दो लाइन क्या करूँ, छोड़ दूँ मनी रिसीव, तो पैसा क्या आएगा, तो बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किस चीज़ का मनी, पैसा ही, यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। क्लियर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। इसका भी कितना आएगा, 4 लाख, यहाँ पर भी कितना आंसर आ जाएगा, 4 लाख रुपीज़ मुझे आंसर आ जाएगा। ये ऑलरेडी हमने जैसा किया था वैसे ही सेम टू सेम, अभी बाकी का सम आगे का सेम ही है। तो यहाँ पर नरेशन आ जाएगा, बींग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी 1000 शेयर एट द रेट 2 पर शेयर क्या हो रहा है, ड्यू, और यहाँ पर किसका आ जाएगा, रिसीव। तो क्या रहेगा, बींग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। अगर आगे आप देखोगे तो सम में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर 2 रुपीज़ किसका है, फर्स्ट कॉल, और 2 रुपीज़ किसका है, फाइनल कॉल। तो सेम पहले ड्यू और रिसीव का एंट्री आएगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो इक्विटी शेयर क्या रहेगा, फर्स्ट कॉल, यहाँ पर एंट्री नंबर मेरा 6 आया, तो आ जाएगा इक्विटी शेयर क्या है, फर्स्ट कॉल, अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, कितने से डेबिट रहेगा, 1 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। टू हम उसको क्या देंगे, इक्विटी शेयर देंगे, तो अपने पास से क्या आ जाएगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से हो जाएगा, 2 लाख रुपीज़ से हो जाएगा। सेम ये मनी ड्यू, अभी रिसीव का एंट्री, तो यहाँ पर मैं 2 लाइन छोड़ के वापस से 7-1 रिसीव हो रहा है, तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है, सिंपल है, कितना अमाउंट सेम रहेगा, 2 लाख, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल है। अभी यहाँ पर देखो, फाइनल कॉल या मनी कितना हो रहा था, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 के बाद वापस से 2 लाइन छोड़ के 8-1 क्या रहेगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा, सेम 2 रुपीज़ दिया है तो 2 लाख आ जाएगा। 2 अपने पास से क्या जाएगा, इक्विटी शेयर जाएगा, इक्विटी पहले किसका आएगा, ड्यू, उसके बाद क्या आ जाएगा, रिसीव का एंट्री आ जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है, पैसा क्या हो रहा है, 8 के बाद 9वां, हाँ एक और लाइन छोड़ देता हूँ ज़्यादा एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा रिसीव, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा, 2 लाख रुपीज़ से, 2 अपने पास से क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट कितने से हो जाएगा, 2 लाख रुपीज़ से हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल है। एक काम करता हूँ, मैं इसका नरेशन लिख देता हूँ, वो भी, तो यहाँ पर नरेशन आएगा, बींग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर पर शेयर क्या है, ड्यू, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो सेम एज यहाँ पर इक्विटी शेयर ऑन फाइनल कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर 2 पर शेयर ड्यू, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव होगा। बस वेरी वेरी सिंपल सम था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।